सिंपल आपको इस तरह का पीवीसी पाइप लेना है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हर जगह मिल जाता है। इसको आपको होलसेल मार्केट से उठाना है जिससे कि आपको सस्ते से सस्ता मिल सके। कई स्टेट में ये डिपेंड करता है कि कहाँ पर किस रेट पर मिल रहा है। कई कई जगह ये 40 रुपये का मिलता है, कई जगह 50 का मिलता है, कई जगह हो सकता है 60 70 रुपये का भी मिलता हो। लेकिन इससे जो आप काम करने वाले हैं, इससे जो आप प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, सिर्फ एक ही पाइप से लगभग आप 10 से 15 रुपये का आप मुनाफा कर सकते हैं। और यदि पूरे दिन भर में अगर आप काम करते हैं कड़ी मेहनत से, तो लगभग आप 3 से 3.5 हज़ार रुपये दोस्तों डेली कमा सकते हैं सिर्फ एक छोटा सा सेटअप लगा के। और इसके लिए कोई ज़्यादा आपको पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, कोई भी कहीं पर भी अपने इस सेटअप को लगा के स्टार्ट कर सकता है। और इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए कोई ज़्यादा आपके बड़े स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ 10 बाई 10 के कमरे से रूम से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और एक छोटा सा और कमरा चाहिए जहाँ पर आपकी एक बहुत बड़ी तादाद में आपकी प्रोडक्शन होने वाली है। और प्रोडक्शन पहले क्या था कि ये मैनुअल तरीके से बनाया जाता था, तो इसके लिए क्या होता कि आपको उसके लिए ज्यादा मैन पावर लगानी पड़ती थी। लेकिन आज मैं जहां पर आपको लेके आया हूं, यहां पर एक सेमी ऑटोमेटिक मशीन होने वाली है जिससे कि जो प्रोडक्शन है आपकी वो बहुत ज्यादा होने वाली है, आपका टाइम बचने वाला है और मार्केट की जो डिमांड है वो आप पूरी करने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है किस तरीके से आप इस पीवीसी जो पाइप है, किस तरीके से आप ये जो प्रोडक्ट है वो बनाने वाले हैं। चलिए इस तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। इस तरीके से आपको पीवीसी पाइप लेने हैं, आपको इस तरीके से कटिंग करनी है। पूरा मेजरमेंट के हिसाब से यहाँ पर निशान दिया हुआ है नीचे, तो आपको इस तरीके से कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद ये नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगा, तो इस तरीके से यहाँ पर ये रखे हुए हैं। उसके बाद इसको दूसरी मशीन में इस तरीके से डाला जा रहा है। इस मशीन को सॉकेट मशीन बोलते हैं, जो कि साइड के जितने भी साइड का जो होल है उसको थोड़ा सा बड़ा किया जाता है। उसके बाद सॉकेट मशीन से गुजरने के बाद ये हीटिंग मशीन में डाला जाता है। हीटिंग मशीन में हीट होने के बाद इसको सेकेंड मशीन में डाला जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, हीट हो रहा है। तो दोस्तों इस प्रोसेस से गुजरने के बाद ये जो आप मशीन देख पा रहे हैं, फाइनली ये जो मशीन है दोस्तों ये मोल्ड करती है, मतलब कि जो हमारे पाइप हैं, जो फाइनल हमारा प्रोडक्ट जो रेडी हो जाएगा, इस तरीके से मोल्ड हमारा रेडी हो जाएगा। आप देख रहे हैं इस तरीके से एक ही मशीन से डबल प्रोडक्शन का हम काम कर सकते हैं। एक से एक साइड से रेडी हो रहा है, दूसरे को रख रहे हैं, फिर इतने में वो रेडी हो रहा है, फिर दूसरे को हम निकाल रहे हैं, तो इस तरीके से हम रेडी कर सकते हैं। ये बिल्कुल हमारा जो प्रोडक्ट है वो रेडी हो गया है। और दूसरा इतने में एक रेडी होगा, एक को लगाएंगे दूसरा रेडी हो जाएगा, दूसरे को लगाएंगे तीसरा रेडी हो जाएगा। इस तरीके से 1 बाय 1 करके जो प्रोडक्शन होती रहेगी वो फास्ट होती रहेगी। दोस्तों ये जो लोग हैं मशीन सप्लाई करते हैं, इनका काम नहीं है ये। यदि आपके पास ये मशीन आ जाती है तो उसी हिसाब से आपकी जो प्रोडक्शन है वो तेज़ हो जाएगी। मतलब ये डिपेंड करता है कारीगर के ऊपर कि आपका जो कारीगर है वो कितने तेज़ी से हाथ चला सकता है। जितनी ज़्यादा तेज़ी से हाथ चलाएगा उतनी ज़्यादा आपकी प्रोडक्शन होगी। इसमें साइज वाइज भी कर सकते हैं, ये दूसरे साइज़ का भी इसमें आप निकाल सकते हैं, इसमें अलग साइज़ का भी निकाल सकते हैं। मैं हमारे व्यूअर्स को दिखाना चाहूँगा इस तरीके से जो दोस्तों आपका जो पाइप है वो रेडी हो गया है। ये क्या पाइप है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा सा पीछे आ जाइए, हमारे व्यूअर्स को बताइए। दोस्तों ये है पीवीसी बैंड। इसकी जो इस्तेमाल होता है जब हमारा लेंटर पड़ता है या फिर हमारी दीवारें बनती हैं, तो वहाँ पर इस पीवीसी बैंड को लगाया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पर इसके अंदर तारें डाल के सप्लाई की जा सकती है, तो घरों में यूज़ होता है, फैक्ट्री में यूज़ होता है, कंपनी में यूज़ होता है। तो इस तरह का पूरा कंप्लीट सेटअप आप ले सकते हैं। एक ये वाली मशीन आपको मिल जाएगी सेटअप के लिए, ये देख सकते हैं। दूसरी मशीन इस तरह की, ये हीटिंग मशीन मिल जाएगी। तीसरी इस तरीके से ये वाली मशीन मिल जाएगी। चौथी इस तरीके से ये मशीन आपको मिल जाएगी। दोस्तों पहली बार आप ऐसी मशीनरी देख पा रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर जहाँ पर आपको बाईबैक का ऑप्शन दिया जा रहा है, मतलब आपकी पूरी तरीके से हेल्प की जा रही है कि यदि आप प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं, सपोज करो कि आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में सेल नहीं होता है, तो कंपनी आपसे जो प्रोडक्ट है वो आपसे ले लेगी। ये सिर्फ आपकी ओनली हेल्प करने के लिए, लाइफ टाइम के लिए नहीं है। कि ऐसा नहीं है कि आपने प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया और हमेशा के लिए बाईबैक होगा। ये सिर्फ आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको एक पुश करने के लिए, आपको एक इनिशिएटिव देने के लिए, ताकि आप अपना एक जो छोटा सा लघु उद्योग है उसको स्टार्ट कर पाएँ। तो मैडम सबसे पहले आप ये बताइए कि पहले क्या था कि वो मैनुअल तरीके से इस बैंड को बनाया जाता था, और जैसा कि अब मैं देख पा रहा हूँ एक मशीन की टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो मशीन से बनाया जा रहा है, तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंट है? सर पहले क्या होता था, मैनुअल तरीके से बनाते थे, तो उसमें क्या होता था बैंड की जो फिनिशिंग थी ना वो अच्छी तरीके से नहीं आती थी, इसलिए इस मशीन को लाया गया। ओके। और प्रोडक्शन की कैपेसिटी भी इसमें ज़्यादा होती है, क्योंकि वो मैनुअल तरीके से बनाया जाता था तो उसमें प्रोडक्शन कम होती थी, इसमें मशीनरी से होता है तो इसमें प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। जी सर, पहले क्या था मैनुअल मशीन थी तो उसमें प्रोडक्शन कम था और मैनुअल पावर ज़्यादा थी, क्योंकि एक बंदे को बैठ के लगातार प्रोसेस करना था। अब भी उसमें प्रोडक्शन भी कम था, इस मशीन को लाने के बाद प्रोडक्शन की भी ज़्यादा डिमांड हुई है, प्रोडक्शन भी अच्छा निकलता है मशीन से और वर्किंग भी अच्छा हो रहा है। तो इस
जो इसका रॉ मटेरियल है, जिसको पाइप है, वो कहाँ कहाँ पर मिल जाएंगे और किस रेट में हमें मिल जाएंगे? सर, इसके जो पाइप हैं वो हर मार्केट में, छोटी से छोटी मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं। वो अच्छी से अच्छी प्राइस पे, होलसेल प्राइस में हो जाते हैं। वो प्राइस का डिपेंड आता है कि डिपेंड ऑन मार्केट, अलग अलग प्राइस में आते हैं। पाइप का जो डिपेंड ऑन मार्केट, किसी मार्केट में ये प्राइस 40 से 50 रुपये का मिल रहा है, किसी में 50 से 60 का मिल रहा है। यहाँ तक कि सर किसी मार्केट में ये पाइप का जो प्राइस है वो 80 रुपये तक का भी जा रहा है। अच्छा, ये दोस्तों डिपेंड करता है कि जितना सस्ता आप पाइप लेंगे उतनी ही क्वालिटी आप कस्टमर को दे पाएंगे। जितना अच्छा क्वालिटी का पाइप रखेंगे उतनी अच्छी क्वालिटी आप कस्टमर को दे पाएंगे। ये देखना पड़ेगा कि आपके अपने एरिया में आपका जो कस्टमर है किस तरह की डिमांड करता है, उनको सस्ता चाहिए या महंगा चाहिए। महंगा मतलब क्वालिटी, सस्ता चाहिए मतलब उसकी भी मतलब क्वालिटी, जैसे आप क्वालिटी उसमें डालेंगे। तो इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है मैडम, तो कितना हो जाएगा, मतलब कि कितना प्रोडक्शन एक दिन में कितने पैसे कमाए जा सकते हैं अगर इसको पूरे दिन में, दिन भर में काम करके? सर, अगर एक बंदा अकेला इस मशीन पे वर्किंग करता है या आप दो व्यक्ति भी मिलके आसानी से वर्किंग इस मशीन पे कर सकते हैं, एक व्यक्ति आसानी से इस मशीन पे वर्किंग करता है, पर डे का मशीन का जो प्रोडक्शन है 6 से 7 हज़ार प्रोडक्शन है पर पीस पे। अगर एक बंदा 50 पैसे के हिसाब से भी प्रॉफिट मार्जिन करता है तो 3,500 रुपये पर डे कमा सकता है। अच्छा, तो प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है मतलब? सर, पर पीस पे से जो प्रॉफिट मार्जिन होता है डिपेंड ऑन मार्केट होता है सर, 1 से 1.5 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो दोस्तों, ये जो आपको 1,25,000 रुपए पे करने हैं, ये इंक्लूडिंग जीएसटी, आपको जीएसटी अलग से पे नहीं करना है, और जो भी आपका अलग से ट्रांसपोर्ट का खर्चा होगा वो आपको अलग से आपको पे करना होगा। तो इनसे कांटेक्ट करने के लिए देखिए सामने स्क्रीन पर इनके कांटेक्ट नंबर चल रहे हैं, और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंपनी की पूरी आपको जानकारी मिल जाएगी, गूगल लोकेशन का मैप मिल जाएगा आपको, और इसी तरीके से यहाँ पर पहुँच सकते हैं और लाइव यहाँ पर प्रोडक्शन देख सकते हैं और आप अपनी मशीनरी अपने घर बैठे आप लगवा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे इतनी दूर जाने का मतलब आप लोगों के लिए ट्रांसपेरेंसी लाना, कुछ भी फेक और कुछ भी फ्रॉड ना होना। तो आप यदि मशीन लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी आप ऑर्डर कर सकते हैं और मशीनें यहाँ से आप ले सकते हैं, यदि आप कहीं दूर से हैं। और मेरा तो कहना, आप लोगों का सजेशन है कि जहाँ पर भी जाएँ तो प्लीज़ अपनी जाँच पड़ताल करके ही आप मशीन लें, लेकिन फिर भी आप आने में आप काफ़ी दूर से आपका असमर्थ हैं तो आप ऑनलाइन भी इस मशीनों को आप ले सकते हैं। तो इसकी कॉस्टिंग कितनी रहने वाली, फाइनल जो कितना का हमारे एंड यूजर को पड़ने वाला है? सर, फाइनल इस मशीन का जो प्राइस पड़ेगा वो आपको 1,25,000 पड़ेगा, प्लस आपका ट्रांसपोर्ट चार्ज एक्स्ट्रा होगा। तो दोस्तों, मशीन लेने से पहले आपको ये डर लगता है कि आपने पेमेंट कर दी, पेमेंट करने के बाद हो सकता है कि आपको मशीन ना मिले, या फिर हो सकता है कि आपको बहुत लेट मिले जो आपके दिए हुए टाइम पे आपके घर पे नहीं पहुंचती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होने वाला है। पहले आपके घर पर ये जो मशीन है वो पहुंच जाएगी, उसके बाद आपको पेमेंट करनी है और कुछ इनिशिएटिव कुछ आपको पेमेंट करनी होती है, ताकि कई बार ऐसा होता है कि किसी ने कंपनी को फ्रॉड कॉल करके मतलब मशीनें मंगवा ली, मशीन मंगवाने के बाद फिर पेमेंट उन्होंने नहीं करी। तो इस चीज़ के लिए बचने के लिए कुछ उन्होंने एक इनिशिएटिव अमाउंट रखा हुआ है ताकि ये जो मशीनें आपके पास आसानी से आपके घर पर पहुँच सके। तो मैम, कितनी पेमेंट करनी होगी उसके लिए? दोस्तों, आपको इस मशीन के लिए 20% बुकिंग अमाउंट कराना होता है, जिसके लिए हम आपको ट्रांसपोर्ट से आपकी मशीन आपके यहाँ तक भेजें, उसके बाद आप बाकी का पेमेंट करा के आपकी मशीन हैंड ओवर कर सकते हैं। ओके दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी इनोवेटिव प्रोडक्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।